फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने हूँ एक नई कहानी के साथ। तो आज की कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक फौजी टुकड़ी एक पहाड़ पर चढ़ रही होती है और उनका नेतृत्व कर रहे होते हैं मेजर। तो चढ़ते चढ़ते रास्ते में उस टुकड़ी के लोगों को भूख लग जाती है और ठंड बढ़ने लगती है, ओस पड़ने लगती है। तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं कोई स्नैक्स मिल जाए, चाय मिल जाए। तो वे देखते रहते हैं कोई ऐसी जगह मिले। रास्ते में उनको एक झोपड़ी नुमा शॉप मिलती है। तो वे लोग वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि शॉप तो बंद है, अब क्या करें। तो मेजर साहब कहते हैं कि देखो इसको खोल। शॉप को वे लोग खोलते हैं, अंदर जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे स्नैक्स होते हैं और चाय का पूरा अरेंजमेंट होता है, वहाँ पर दूध भी होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि चाय बनाते हैं और सारे स्नैक्स, बिस्किट, चिप्स वगैरह जो नमकीन वहाँ होते हैं वो सब बढ़िया से खा के और एकदम सेटिस्फाइड हो जाते हैं और फिर वो वहाँ से चलते हैं। लेकिन चलने के पहले मेजर साहब 1000 रुपये निकाल करके एक फौजी को देते हैं कि लो इसको वहाँ पे रख दो, किसी चीज़ से दबा के रख दो। वो एक ग्लास के नीचे 1000 रुपये रख देते हैं और ये लोग वहाँ से चल लेते हैं। अब होता यह है कि अगले दिन जब वापस आ रही होती है टुकड़ी, तब वो देखते हैं कि वो शॉप खुली हुई है। फिर वो वापस वहाँ जाते हैं और जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ का जो शॉपकीपर है वो एक बड़े बूढ़े से दादाजी हैं और वही सर्व कर रहे होते हैं इनको भी। वो स्नैक्स और चाय सर्व करते हैं। तो जब वो चाय लेके आते हैं तो मेजर साहब उनसे पूछते हैं कि दादाजी और सुनाइए, क्या हाल है, कैसी चल रही है ज़िंदगी। दादाजी बोलते हैं, ऊपर वाले की मेहरबानी है सर, जो भी है वो हमेशा हमारा बहुत ख्याल रखता है। तो मेजर साहब कहते हैं कि ये तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन आप ऐसा किस आधार पर बोल रहे हो। तो दादाजी कहते हैं कि अरे सर क्या बतलाऊँ, कल ही की घटना देख लीजिए। कल क्या हुआ कि मेरे बेटे को कुछ टेररिस्ट उठा कर के ले गए थे और उससे वो कुछ सीक्रेट्स जानना चाहते थे जो कि उसके पास थे ही नहीं। तो उन्होंने उसको बहुत मारा पीटा, लहूलुहान हो गया मेरा बेटा, उसको ला करके वो छोड़ गए। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि अरे इसको तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है, उसका बहुत ब्लड बह रहा था। तो मैं एकदम सकते में आ गया सर, मैं भागता हुआ आया और मैंने सोचा शायद शॉप के ड्रॉज में कुछ पैसे होंगे। मैंने जो ही ड्रॉज खोला उसमें कुछ नहीं था सर, और मैं बहुत दुखी था उस वक्त और मैं पूरे शिद्दत से ऊपर वाले को याद कर रहा था। और देखता हूँ कि मैं वहाँ पर ग्लास के नीचे 1000 रुपये रखे थे साहब, ना जाने कौन रख गया था। मैंने वो रुपये उठाए और मैं भागा अपने बेटे को लेके हॉस्पिटल। और साहब अब जाके मेरा बेटा ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये वाली बात कह रहा हूँ, पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूँ। फौज के उस टुकड़ी के सारे लोग सुन रहे थे, इस बात को सुन रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और समझ रहे थे। लेकिन मेजर साहब ने इशारा कर दिया कि कोई इस कल के इस वाक्य के बारे में उस दादाजी को कुछ ना कहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और वे बड़े सुकून के साथ वहाँ से चल दिए। और जब दोस्तों हम किसी की मदद करते हैं ना इनडायरेक्ट वे में, कभी किसी के दुख की घड़ी में हम उसके सुकून का, उसकी खुशी का एक कारण बनते हैं, तो जो संतोष और सुकून हमें मिलता है वो वही समझ सकता है जिसने कभी ऐसा नेक काम किया। और इसीलिए दोस्तों ईश्वर हमेशा हमारी मदद करता है यदि हम शिद्दत के साथ उसको याद करें। कभी कभी हमें ऐसा लगता है ज़िंदगी में कि शायद वो हमारी परवाह नहीं कर रहा जब हम बहुत ज़्यादा कष्ट में होते हैं, लेकिन यदि शिद्दत से ऊपर वाले को हम याद करते हैं तो वो अवश्य हमारा साथ देता है। इसीलिए दोस्तों परिस्थितियाँ कितनी भी विषम हों उसे हम हमेशा उस पर विश्वास रखें, ऊपर वाले पर भरोसा रखें और अपना काम करें।